यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी किचन में बनाएंगे राइस खीर। राइस खीर हम कुकर में बनाएंगे और कंडेंस्ड मिल्क डालकर। ये कुकर में भी उतनी ही रिच और टेस्टी बनती है जितनी कि हम पैन में बनाते हैं तब बनती है। तो आइए हम राइस खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में घी डालेंगे। अब चावल डाल देंगे, इनको हमने पहले से धोकर 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। हमने 1 किलो दूध लिया था, उसका आधा हम अब डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चावल पूरी तरह से पक चुके हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और गैस ऑन करेंगे। बचा हुआ आधा दूध अब डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। कुछ देर पकने के बाद हम चिरौंजी डालेंगे, बादाम डालेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे। कंडेंस्ड मिल्क डालने से हमारी कुकर में भी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें दूध में भीगा हुआ केसर डाल देंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी खीर तैयार है। आप देख सकते हैं हमारी खीर कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।